वेलकम बाय गाइस। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मैं यहाँ मैं आप लोग मेरी इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर दीजिए। और चलिए अब मैं यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने अपना बी एस कोड खोल लिया। यहाँ पर एक फाइल बनाया उसका नाम saurabh25.html रखा हो। यहाँ पर मैं HTML की बॉलिंग प्लेट लगाऊंगा। यहाँ पर मैंने HTML की बॉलिंग प्लेट लगा ली और यहाँ पर मैं टाइटल डालूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ css position मैंने लिख दिया। और इसके बाद मैं यहाँ पर चार बॉक्स बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं डॉट बॉक्स लिख दे रहा हूँ, फिर हैश बॉक्स लिख दे रहा हूँ और फिर डैश मैं नहीं लिखता हूँ, मैं डैश के बाद डॉलर लगा देता हूँ। अब डॉलर का मतलब क्या हुआ? डॉलर का मतलब ये है कि अगर मैंने मल्टीप्लाई बाय 4 लिखा तो यहाँ पर 1 2 3 4 जैसे आप लोग देख सकते हैं आईडी में लिख आया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डॉलर हटा देता हूँ, यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर आप लोग अब आप लोग कहेंगे कि भाई आपने बताया था कि आईडी तो सेम होती नहीं, ये तो सिर्फ मैं एमेट की मदद से लिखना चाह रहा था, बस मैंने इसीलिए यहाँ पर बनाया, वरना मैं तो उस तरह तो डॉलर भी लगा कर लिख सकता था। मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाह रहा था एक बार और कि मैं यहाँ पर आईडी लगा सकता हूँ। और यहाँ पर अब मैं अपना लाइव सर्वर ओपन करूँ, पुराना लाइव सर्वर डिस्पोज करके। तो यहाँ पर जैसे कि मेरा ये जो लाइव सर्वर है ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर अभी तो मैंने यहाँ पर कोई कुछ दिया नहीं है, लेकिन लेकिन मुझे यहाँ पर बनाना है बॉक्स। तो मैं यहाँ पर स्टाइल टैग लगाऊंगा और इसके बाद जो मेरा है डॉट बॉक्स वन, नहीं डॉट बॉक्स वन, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक डॉट बॉक्स बनाऊंगा, नहीं नहीं डॉट बॉक्स नहीं बनाते, मैं इस स्टाइल के अंदर हैश लगाऊंगा हैश, और फिर यहाँ पर बी ओ एक्स बॉक्स डैश वन लिखूंगा, फिर इसको रेप्लिकेट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर मैंने वन लिखा और ऐसे करके से कर दूंगा और इस तरह मेरा काम आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पर टू कर दूंगा, ऐसे कर लूंगा, फिर यहाँ पर मैं थ्री कर दूंगा और ऐसे कर लूंगा, यहाँ पर फिर मैं 4 कर दूंगा और ऐसे कर लूंगा। अब यहाँ पर मैंने जो मेरे आईडी थे मैंने वो लगा दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर एक डॉट बॉक्स बनाता हूँ। डॉट बॉक्स मैं इसलिए बनाऊंगा क्योंकि मुझे बार बार ये जो बॉक्स वाली है तरीका हैश वाला, ये मेरी आईडी, मुझे वो तरीका अपनाना पड़े। और अगर मैं यहाँ पर इसकी हाइट दे देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए 300 पिक्सल, मैंने 300 पिक्सल दे दिया है, तो यहाँ पर अगर मैं ब्रेथ भी 300 पिक्सल दे दूँ और फिर इसको बॉर्डर दे दूँ, बॉर्डर में 2 पिक्सल सॉलिड रेड दे देता हूँ, यहाँ पर बॉर्डर में 2 पिक्सल नहीं 4 पिक्सल दे देता हूँ। अब अगर मैं करूँ तो यहाँ पर ये 4 पिक्सल और ये 300 बहुत बड़े बड़े आ गए हैं। हाँ एक मिनट में इसको रीसेट कर लेता हूँ और ये अब ठीक है। और अगर मेरा जो 300 है मैं इसको हटा कर यहाँ पर कर दूँ, जैसे कितना कर दूँ मैं 50 कर देता, 50 यहाँ पर 5 लगा देता हूँ और ये अब ऐसे ठीक लग रहे हैं। लेकिन लेकिन अब अगर मैं चाहता हूँ, मान लीजिए मैं एक वेबसाइट बना रहा, उस वेबसाइट में मैं चाहता हूँ ये बॉक्स यहाँ पर है, दूसरा नंबर यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है। जैसे कि अगर मैं एक और बात बताऊंगा आप लोगों, ये यहीं पर मैंने ये डॉट बॉक्स में दिया था तो ये चारों बनकर आ गए। लेकिन अगर मैं इसी को क्या कहते हैं यहाँ पर कर दूं 1 में तो क्या होगा?
तो सिर्फ ये वन में आएगा, क्यों? क्योंकि आईडी तो एक ही होती है, मैंने एक ही आईडी दी, कोई सेम आईडी दी नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर बॉक्स में बनाना सही चाहा। तो मैं इसको एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ यहाँ पर। मैंने अब ये ऐसे ठीक लग रहा है यहाँ पर। ये इसलिए है क्योंकि ये जो डिव है ये एक ब्लॉक एलिमेंट, अगर मैं इसे इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट कर दूं, क्या कर दूं, इनलाइन, सबसे पहले तो मुझे डिस्प्ले लगाना पड़ेगा, फिर इनलाइन अगर मैं ब्लॉक करूं, ये आया नहीं, वैसे ये ब्लॉक है, कॉन्टेक्ट है, फ्लोर लो है, इनलाइन ब्लॉक, नन, टेबल कैप्चर। मैं यहाँ पर डॉट बॉक्स में जाता हूँ, डॉट बॉक्स में यहाँ पर मैं डिस्प्ले को कर देता हूँ, इनलाइन किया मैंने, ये ऐसे आया, इनलाइन ब्लॉक किया, अब ये ऐसे आया, और यहाँ पर ये फोर्थ वाला नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ क्या, इनलाइन ब्लॉक, नहीं, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहिए, और डिस्प्ले को मैं कर देता हूँ इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक करने से ये होगा कि ये चारों यहाँ पर आ जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी ये कुछ ऐसे हैं, मैं इनको बड़ा कर लेता हूँ, और ये अब मैंने यहाँ पर जब देखा आप लोगों को, मैंने बताया था ये यहाँ पर पहले ब्लॉक था, लेकिन मैंने जैसे ही डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक के यहाँ पर हट गया। तो अगर मैं इसकी ब्रिज चाहूँ, हाइट चाहूँ, ब्रिज चाहूँ, बढ़ा सकता हूँ, जैसे कि अभी नहीं, मैं इसको 100 कर देता हूँ, सिंपल से 100 कर देता हूँ, और ये 100 हो गया। अब यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, और ये 100 किया तो ये ठीक लग रहे हैं, और इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मल्टी कर्सर का प्रयोग करूँगा। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग मेरी जो प्लेलिस्ट है उससे आप लोग उसमें वीडियो देख सकते हो, और ये मल्टी कर्सर बताया मैंने कि कैसे कैसे होता है। तो अभी ये यहाँ पर मैं अपने क्रोम ब्राउजर पर आता हूँ, और यहाँ पर ये अभी ऐसे है, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि ये जो बॉक्स है इनमें पोजीशन लगाऊँ, तो आप लोग कहें पोजीशन, पोजीशन क्या है, पोजीशन मैं बताता हूँ आप लोगों को पोजीशन क्या है। ये जो मैंने बॉक्स बनाए हैं, अभी मैं क्या करूँगा, इनको कमेंट आउट कर दूंगा, और इस फोर्थ वाले को भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं। अब मैं बॉक्स इसको कमेंट आउट करता हूँ, और इसको एक मिनट हटाता हूँ, और ये मैं बॉक्स टू में पोजीशन दूंगा। तो एक काम करता हूँ ना, मैं इनको हटा ही देता हूँ, वैसे अभी इनको कोई काम है नहीं, इनको मैं हटा ही देता हूँ और बॉक्स टू में आता हूँ। अब यहाँ पर जो मेरी ये पोजीशन है, पोजीशन मैं यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव करूँगा, तो यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव क्या होता, अभी मैं पोजीशन रिलेटिव बताया, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ और भी बताऊंगा। यहाँ पर अगर मैंने एब्सोल्यूट कर दिया, एब्सोल्यूट किया, तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो वो गायब गया, अरे अभी क्या हुआ, यहाँ पर ये तो ऊपर नीचे हो गया, ये कैसी कहानी बन गई। पोजीशन रिलेटिव किया था तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर पोजीशन एब्सोल्यूट किया तो ये क्या हो गया। अब मैं आप लोगों को कि पोजीशन रिलेटिव जो है वो एक पोजीशन है जो एलिमेंट को कुछ नहीं करती है, और वो सीधा सीधा एलिमेंट रखती है, और जहां उसकी जगह होती वहीं पर वो रहता है। लेकिन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्या करता है, जो एब्सोल्यूट होता है वो करता ये है कि जो आगे का एलिमेंट है वो उसके ऊपर आ जाता है, जो आगे का एलिमेंट है वो उसके ऊपर आ जाता है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव में यही, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कमेंट आउट में, रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव क्या होता है, और ये गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हुई है,
रिलेटिव, रिलेटिव यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिलेटिव, और फिर कोलन लगाता हूँ और फिर यहाँ पर लिख देता हूँ पोजीशन। रिलेटिव के बाद पोजीशन द एलिमेंट, पोजीशन द एलिमेंट्स, पोजीशन द एलिमेंट्स, रिलेटिव, रिलेटिव, पोजीशन द रिलेटिव टू इट्स। ये जो मैं लिख रहा हूं, अगर आप लोगों को ये लिखना भी है तो आप लोग लिख भी सकते हैं। इससे ये होगा कि जब आप लोग लिख लेंगे तो आप लोगों के पास एक नोट आ जाएगा, इससे आप लोग जब भी भूल जाएंगे तो उसको देखेंगे बा आप लोगों को तुरंत पता हो जाएगा। यहाँ पर मैं ये लिख लूंगा, फिर इसके बाद नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन एंड विल बी गेप, पोजीशन एंड विल लीव, एंड विल लीव आ गेप, गेप गेप एट इट्स नॉर्मल पोजीशन, एट इट्स नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया, मैं इसको सेटिंग बजाकर कमेंट प्लेन पर फिर टॉगल लगा, जैसे मेरा नीचे आ जाए और मुझे कोई परेशानी ना हो। ये तो मैंने अब कर दी पोजीशन रिलेटिव का। अगर मैं इसी को रेप्लीकेट करूं और इसको ऊपर ले आऊं, यहाँ पर कर दूं जैसे रिलेटिव, आरी लिखूंगा भाई ऑटोमेटिक मुझे सजेशन दे देता है रिलेटिव का। अब मुझे लिखना क्या है, पोजीशन एब्सोल्यूट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया लेकिन लिखा नहीं है अभी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट पोजीशन एब्सोल्यूट, मुझे एब्सोल्यूट के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पोजीशन, पोजीशन द एलिमेंट, पोजीशन द एलिमेंट्स, पोजीशन द एलिमेंट्स रिलेटिव टू पोजीशन। इसमें एक आ गया है जो रिलेटिव होती है उसकी पोजीशन पर वो आ जाता है, पोजीशन रिलेटिव टू पोजीशन एंड इट्स फर्स्ट पेरेंट टू पोजीशन टू द पोजीशन, पोजीशन ऑफ इट्स पेरेंट, अपने पेरेंट पर जो उसका पहला पिता होता है, फर्स्ट पेरेंट्स, एक ही पिता होता है इसलिए पेरेंट्स लगेगा। और इसको भी मैंने कमेंट आउट कर दिया, और यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पोजीशन। पोजीशन कितने प्रकार की होती है ये लिखना सबसे जरूरी होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पोजीशन। एक तो होती रिलेटिव जो मैंने आप लोगों को बता दिया है, और दूसरी होती है एब्सोल्यूट, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, और तीसरी जो होती है वो होती है फिक्स्ड। और ये जो फिक्स्ड होती है ये क्या करती है, जो जिस बॉक्स के बारे में मैंने उसको जहां रखा है वो वहीं पर आ जाती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टिकी, STI CKY, STY CKY, ये हो गई स्टिकी, और यहाँ पर लिख देता हूँ फिक्स्ड, और ये हो गई फिक्स्ड।
वो होती है स्टिकी। तो स्टिकी क्या, स्टिकी एक जो होती है वो एक ड्रॉप होती है, वो एक ड्रॉप पोजीशन होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टिकी जो है वो एक ड्रॉप है, और यहाँ पर अरे ये मैंने क्या कर दिया, मुझे डी लगाना है, और यहाँ पर मैं इनके बीच में स्पेस, और इससे अब कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पर मैंने अब ये दे दिया, और अगर मैं इसको दे दू पोजीशन फिक्स्ड, पोजीशन फिक्स्ड, तो अगर मैंने इसको कर दिया टॉप से, यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया पोजीशन फिक्स्ड किया है, और पोजीशन फिक्स्ड करने से ये क्या होगा कि ये एक जगह फिक्स्ड हो जाएगा। अगर मैं इसको मान लीजिए ये कहाँ गया, मैंने कुछ गड़बड़ की क्या, मैंने इनको सबको कमेंट आउट कर दिया है, पोजीशन यहाँ पर फिक्स्ड कर दिया है, और यहाँ पर अगर मैं इसको टॉप से कर दूं, क्या टॉप से अगर मैं 34 पिक्सल कर दूं, और फिर यहाँ पर बॉटम से, हाँ बॉटम से मान लीजिए मैं 45 पिक्सल, नहीं बॉटम से मैं क्यों करूँगा, लेफ्ट से करना है, LEFT लेफ्ट। और यहाँ पर मैंने अगर इसको लेफ्ट से किया तो ये ऊपर टॉप से आया और लेफ्ट से आया। ये अब यहाँ पर जो अपने पेरेंट है, अपने पहले पिता, जो अपना पहला पिता है इसका, उसके हिसाब से ये टॉप से 34 आया और ये लेफ्ट से 45। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए, तो यहाँ पर मैंने पोजीशन रिलेटिव फिक्स्ड किया है। अगर मैं इसको टॉप से 35 पिक्सल चाहूँ, या मैंने इसको जितना चाहूँ उतना कर सकता हूँ, मैं जितना चाहूँ उतना कर सकता हूँ। मान लीजिए अगर मैं 3 के बराबर चाहूँ तो वो भी मैं अपने कर सकता हूँ, और यहाँ पर जैसे कि ये अभी ऐसे, तो फिक्स्ड में भी यही होता है कि जो उसका पहला पिता होता है उसके हिसाब से चलता है। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ क्या, इसके बारे में भी लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ फिक्स्ड, सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे फिक्स्ड लिखना है, तो यहाँ पर FIXED फिक्स्ड लिख देता हूँ, और फिर कोलन लगा कर यहाँ पर पोजीशन लिखता हूँ, पोजीशन द एलिमेंट्स रिलेटिव टू ब्राउजर विंडो, टू द ब्राउजर विंडो VROWSER ब्राउजर विंडो, यहाँ पर मैंने लिख दिया ब्राउजर विंडो, और इसके बाद मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। और यहाँ पर ये जहां जहां पर खत्म हुआ है मैं यहाँ पर सेमी कॉलर लगाते जा रहा हूँ, और ये जो फिक्स्ड है इसको भी मैं कमेंट आउट इनको भी कर देता हूँ, और ये अभी ऐसे एक काम करूंगा मैं कि जो मेरा ये है मैं इनको, नहीं, यहाँ पर ये लगा लेता हूँ, और ये स्लैश यहाँ पर हटा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पर लगे रहने देता हूँ, और यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पर लगा रहने देता हूँ, और यहाँ पर हटा देता हूँ, ताकि ये जो एलिमेंट है मेरा, ये जो पूरा फिक्स्ड पोजीशन है पूरा यहाँ से यहाँ तक आ जाए। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे ही करूँगा, इसको हटा देता हूँ,
और ये अभी यहाँ पर ऐसे है, ठीक है वैसे कोई बात नहीं। और इसको भी मैं ऐसे कर दूंगा, यहाँ से इसको काट कर इसको भी ऐसे ही होगा कि रिलेटिव यहाँ पर खत्म हुआ, एब्सोल्यूट यहाँ पर खत्म हुआ, और फिक्स यहाँ पर खत्म हुआ। तो मैंने आपको फिक्स्ड भी बता दिया। अब मैं आप लोगों को जैसे बताऊंगा स्टिकी क्या होता है। जैसे यहाँ पर मैं लिखू पोजीशन स्टिकी, तो पोजीशन स्टिकी क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बता देता। जैसे कि मैंने बॉक्स टू को दिया स्टिकी, तो ये अभी तो जहां पर है वहां पर आएगा। लेकिन अगर मैं इसको कर दू, मान लीजिए बॉटम से कर देता हूँ 3 पिक्सल, और फिर मैं यहाँ पर अभी वैसे आया नहीं, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं आया अभी ये देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 पिक्सल दिया है, और यहाँ पर मार्जिन देता हूँ मैं RGIN मार्जिन मैंने दे दिया है, वैसे आ नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं इसे टॉप से ही कर देता हूँ। टॉप से मैंने कर दिया इसको 3 पिक, नहीं 200 पिक्सल, या तो मैंने 2000 है इसलिए गायब हो रहा। लेकिन अगर मैं क्या कर दूँ, इसको 200 कर दूँ, और ये तो यहाँ पर भी है ऐसे यार। तो यहाँ पर मैंने इसको बॉक्स टू को दिया है, पर मैंने अभी ये इसको ऐसे किया। लेकिन लेकिन अब एक और बात, अगर मैंने इसको टॉप से कितना किया है 2 पिक्सल, और यहाँ पर मैं स्टिकी लिख देता हूँ, अभी मैं यहाँ पर स्टिकी लिख देता हूँ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ STI STI CKY स्टिकी। उसके बाद इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पर जो मेरी ये ब्रेथ है बॉक्स की, मैं 2 की कंटेनर, यहाँ पर मुझे एक डॉट कंटेनर बनाऊंगा, क्योंकि तभी तो मुझे एक खतरनाक विदित देनी होगी, और फिर तभी तो स्टिकी ये काम करेगा। और जो मेरा कंटेनर है, मैं अपने कंटेनर को बहुत ही खतरनाक एक विदित दे देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर डॉट कंटेनर लिखता हूँ कंटेनर, और उसके बाद मैं इसको मान लीजिए हाइट देना, हाइट फिर नहीं, हाइट में दे देता हूँ 2444, और यहाँ पर ये बहुत ज्यादा हो गया इतना है। और बैकग्राउंड कलर मैं इसका दे देता हूँ, मान लीजिए यही दे देता हूँ, ये बस आप लोगों को बताना है। लेकिन जैसे ही मैं स्क्रॉल करूंगा, जैसे देख रहे हैं आप लोग ये यहाँ पर ठीक है, लेकिन जैसे ही स्क्रॉल करूंगा ये जो 2 है, ये 2 सिर्फ इतना रह गया, बाकी ये वही। ये तब किया जाता है जब कोई चैट करना हो या कांटेक्ट करना हो, तो ये सब उसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं जैसे लिख दूँ चैट विथ अस, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चैट विथ अस, मैंने चैट विथ अस लिखा, और यहाँ पर ये चैट विथ अस, मैं इसको स्क्रॉल करूँ ये यहाँ पर आ रहा है, इसको स्क्रॉल करूँ चाहे जितना स्क्रॉल करूँ ये यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर एक चिपक गया है। अब इसका मतलब हुआ कि ये चिपक गया, अब इसको कोई रोक नहीं सकता है जब तक कि स्टिकी में पोजीशन हटाऊं। लेकिन एक और बात, यहाँ पर ये जो स्पेस आ रही, मैं इसको भी खत्म करना चाहता हूँ, तो वो कैसे खत्म कर, इसके लिए भी मेरे पास एक जवाब है, मैं जवाब तैयार करके रखा हूँ, क्योंकि अगर मुझे कोई जवाब देना हो तो वो तुरंत मैं दे सकता हूँ। और यहाँ पर पैडिंग देना होगा मुझे, यहाँ पर ये जैसे अब वो खत्म हो गया है, लेकिन इस वीडियो में उसका इतना कोई मान नहीं। हाँ, तो इस वीडियो में इतना गाइस, अगले वीडियो फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।